मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज मैं आप लोगों का इंग्लिश का सातवां वीडियो लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने आपको यूनिट वन यूनिट टू पढ़ाया था और उसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने तैयार भी कर लिए होंगे। आज हम लोग यूनिट थ्री पढ़ेंगे जिसका नाम है लेजी जैक। क्या है लेजी? क्या स्पेलिंग है लेजी की? LAZY लेजी और JACK जैक। यहाँ पर जो जैक है एक बच्चे का नाम है और लेजी का मतलब होता है बेटा बहुत ही केयरलेस बच्चा, जो काम नहीं करता, आलसी रहता है, उस बच्चे को बोलते बेटा लेजी। तो चलिए सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। जैक लिव्ड विथ हिज मदर इन अ लिटिल हट। दे वेयर वेरी पुअर। जैक्स मदर डिड सम स्टिचिंग फॉर हर नेबर्स बट दे टू वेयर पुअर। दे डिड नॉट पे हर मच। Jack did nothing at all. All summer he sat outside under the tree and all winter he sat by the fireside. Everyone called him Lazy Jack. Then one day Jack's mother said, Jack, you must go out and do some work. If you don't, shall not give you any food. I will turn you out of the house. अब यहाँ पर जैक और जैक की मदर के बारे में बता रहे बेटा कि जैक और जैक की मदर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और वो बहुत गरीब थे। उसकी मदर अपने नेबर, यहाँ पर कौन सा शब्द आया, ये नेबर्स, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी, अपने जो पड़ोसी थे उनके कपड़ों को सिला करती थी। फिर भी लेकिन वो बहुत पुअर थे क्योंकि दे डिड नॉट पे हर मच, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देते थे। जैक डिड नॉट नथिंग एट ऑल, और जैक कुछ भी नहीं करता था। All summer he sat outside under the tree. पूरी गर्मी भर वो झाड़ के नीचे बैठा रहता था। And all winter he sat by the fireside. और पूरी ठंडी भर वो आग तापते हुए आग के आजू बाजू में बैठा रहता था। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? Everyone called him Lazy Jack. और सब लोग उसको क्या बोलते थे? Lazy Jack. क्या बोलते थे उसको? सब लोग उसको क्या बोलते थे? Lazy Jack. Then one day Jack's mother said, Jack, you must go out and do some work. एक दिन जैक की माँ भी परेशान होकर के बोली कि जैक तुम जाओ और कुछ काम करो। इफ यू डोंट शैल नॉट गिव यू एनी फूड, अगर तुम कोई भी काम नहीं करोगे तो मैं तुमको भोजन नहीं दूंगी। आई विल टर्न यू आउट ऑफ द हाउस, और मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है बेटा, यहां तक आपको समझ में है? चलिए अब हम लोग सेकेंड स्टेंजा पढ़ते हैं। जैक सेट अप स्ट्रेट। ही थॉट दिस विल बी बैड। आई हैव टू ईट। I will go out and work. A farmer living nearby gave Jack some work on his farm. At the end of the day, he paid him a penny. कौन सा शब्द है ये? Penny. Jack was happy. No one had ever given him any money. He kept it in his hand. But while he was crossing a brook, कौन सा शब्द है ये? Brook. Plonk. It fell out on his hand and into the water. अब बेटा कि जब उनकी मदर ने जैक से कहा कि तुम कुछ जाओ बाहर कुछ काम करो तभी मैं तुमको खाना दूंगी, तो जैक सेट अप स्ट्रेट, तो जैक एकदम चौका। ही थॉट, वो सोचने लगा, दिस विल बी बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ। आई हैव टू ईट, मुझे तो भूख लगना है, मुझे तो कुछ खाना है। आई विल गो आउट एंड वर्क, तो चलो मैं कुछ जाता हूँ बाहर और कुछ काम करता हूँ। अ फार्मर लिविंग नियर बाय गेव हिम सम वर्क ऑन हिज फार्म। बाजू में एक आसपास में कहीं एक फार्मर रहता था, उसने जैक को कुछ अपने फार्म हाउस में क्या किया बेटा, कुछ काम दिया। एट द एंड ऑफ द डे ही पेड हिम अ पेनी, और जब शाम हो गई, जब काम पूरा खत्म हो गया, तब उसने जैक को क्या दिया बेटा? अ पेनी। पेनी बेटा, जैसे यहाँ पर इंडिया में रुपीज चलता है, वैसे यूनाइटेड स्टेट में वहां पर जो कॉइन होता है उसको क्या बोलते बेटा? पेनी। क्या बोलते उसको? पेनी। तो उसने फार्मर ने उसको क्या दिया? एक पेनी दिया। जैक वॉज हैप्पी, जैक बहुत खुश था। नो वन हैड इवन गिवन हिम एनी मनी, किसी ने भी आज तक उसको कोई पैसा नहीं दिया था। ही केप्ट इट इन हिज हैंड, उसने उसको पैसे को क्या किया बेटा? अपने हाथ में रखा। बट व्हाइल ही वॉज क्रॉसिंग अ ब्रुक, पर वो जैसे ही ब्रुक, ब्रुक का मतलब यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रहा है, और स्मॉल स्ट्रीम, छोटा सा झरना, छोटा सा जो ये होता है उसको बोलते ब्रुक। जैसे ही वो ब्रुक को क्रॉस कर रहा था, प्लॉन्क, प्लॉन्क का मतलब होता है बेटा कि जो उसका सिक्का था वो नीचे झरने में क्या हुआ? गिर गया। इट फेल आउट ऑन हिज हैंड
एंड इन टू द वाटर, और वो जो जो सिक्का था, जो पेनी था, उसके हाथ से नीचे गिर गया और पानी में चला गया। अब हिज मदर वॉज रियली क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है बेटा एंग्री, क्रॉस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, एंग्री। जब उसकी माँ ने ये सब बातें सुनी तो वो बहुत गुस्सा हुई। यू शुड हैव कैप्ट इन योर पॉकेट, तो वो जैक को डांटने लगी। वो बोली कि तुम अपने वो जो पैसे जो दिए थे उसको अपने जेब में नहीं रख सकते थे, आपने हाथ में लेके क्यों चले, है ना। तो वही उसकी मदर ने कहा कि तुम्हें उसे अपने पॉकेट में रखना था। क्लियर, यहां तक सबको क्लियर हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। द नेक्स्ट डे, क्या लिखा है, द नेक्स्ट डे द काउ हर्ड हु हैड हायर्ड हिम गेव हिम अ जग ऑफ मिल्क। जैक वॉज वियरिंग अ कोट दैट हैड अ बिग पॉकेट्स, ही केप्ट द जग ऑफ मिल्क इन हिज पॉकेट। ऑफकोर्स ही केप्ट स्पिलिंग, कौन सा शब्द है वो, स्पिलिंग ऑल द वे होम। बाय द टाइम ही रीच होम द जग वॉज एम्प्टी। अब देखिए, जब उसकी माँ ने बोला कि पेनी को तुमको अपने जेब में रखना था, तो चलो वो बात तो गई। अब दूसरे दिन द नेक्स्ट डे द काउहर्ड, काउहर्ड का मतलब होता है बेटा कि जैसा व्यक्ति जो गाय वाय को चराता है या एनिमल्स को चराता है, तो हु हैड हायर्ड हिम, उसने उसको अपने घर काम पर रख लिया। गिव हिम अ जग ऑफ मिल्क, और काम के बदले उसको क्या दिया, एक जग भर के मिल्क दिया। जैक वॉज वियरिंग अ कोट, जैक ने क्या पहना था, कोट पहना था, एंड हैड अ बिग पॉकेट, और उसमें क्या था, एक बड़ा सा पॉकेट था। ही केप्ट द जग ऑफ मिल्क इन हिज पॉकेट, और उसने क्या किया बेटा, जो पॉकेट था उसके अंदर वो जग को रख दिया। अब है ऑफकोर्स ही केप्ट स्पिलिंग ऑल द वे होम। अब जब जो जग को पॉकेट में रखेगा तो क्या होगा, जैसे वो चलेगा तो वो पॉकेट हिलेगा और जग से क्या होता जाएगा, दूध गिरते जाएगा। बाय द टाइम ही रीच्ड होम, जब तक कि वो घर पहुंचता, द जग वॉज एम्प्टी, जग क्या हो गया था, खाली हो गया था, क्योंकि उससे दूध झलकते हुए पूरा घर जाते तक कि वो पूरा दूध उसका क्या हो गया था, गिर गया था। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। यू सिली बॉय, कौन बोला ये, यू सिली बॉय, सेड हिज मदर, उसकी मदर ने कहा कि तुम बहुत ही मूर्ख हो। यू शुड हैव कैरीड इट केयरफुली ऑन यूर हेड, तुमको उसको सावधानी पूर्वक अपने हेड पर लाना था, कि आराम से पकड़ करके उसको सिर पर रख करके लाना था। देन केम अनदर मॉर्निंग एंड अनदर जॉब फॉर जैक, अब दूसरा दिन आया, दूसरी सुबह आई, फिर वो दूसरे नए जॉब के लिए निकल पड़ा। दिस टाइम द फार्मर ही वर्क्ड फॉर गिव हिम सम क्रीम चीज, अब वो किसी फार्मर के पास काम किया, उसने क्या किया, उसको क्रीमी चीज दिया। यस ही पुट इट ऑन हिज हेड, क्योंकि उसकी मम्मी ने बोला था कि दूध को तुमको जग को सिर पर पकड़ के लाना था, तो वो क्रीमी चीज को उसने क्या किया बेटा, अपने सिर के ऊपर रख लिया। इट गॉट मिक्सड अप विथ हिज हेयर, अब सिर के ऊपर रखा था, उसके बाल फैले हुए थे तो वो सब बालों में मिक्स हो रहे थे। इट मेल्टेड एंड रेन डाउन हिज चीक्स, अब वो चूंकि धूप रही होगी तो वो क्या हुआ बेटा कि जो चीज थी वो क्या हुई, मेल्टेड हो गई। मेल्टेड का मतलब होता है पिघलना, पिघल रही है, और उसके ये देखो चेहरे पर दिख रहा है कि उसके चेहरे पर ये पिघल करके नीचे चीज गालों पर गिर रही है। हिज मदर सेड ओ जैक व्हाट एम आई गोइंग टू डू विथ यू, अरे जैक मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, मैं तुम्हारा क्या करूं। यू शुड नेवर कैरीड इट इन यूर हैंड, तुमको इसको हाथ में पकड़ के नहीं लाना था। अब उसकी मम्मी जैसा जैसा बोलती है कि पहले बोल रही कि सिर पर नहीं लाना था, तो उसने क्रीम को सिर पर रख लिया। अब उसकी मम्मी जब क्रीम पूरा मेल्टेड हो गया, तो अब वो बोल रही थी कि तुमको उसको हाथ में नहीं पकड़ के लाना था। अब देखते हैं अगले दिन जैक क्या करता है। क्लियर, देन जैक वर्क फॉर अ बेकर, देन जैक वर्क फॉर अ बेकर। द बेकर डिड नॉट गेट मच मनी फॉर द ब्रेड ही बेक्ड, आर सो ही सेड, मे बी ही न्यू जैक वॉज नॉट टू क्लेवर, एनी वे ही ओनली गेव जैक अ लार्ज कैट। जैक रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड एंड कैरीड इट इन हिज हैंड, द कैट स्क्रैच्ड जैक ऑन हिज हैंड्स एंड फेस एंड रन ऑफ। जैक हाउ एम आई गोइंग टू टीच यू हाउ टू डू थिंग्स द राइट वे, सेड हिज मदर, यू शुड हैव टाइड अ स्ट्रिंग अराउंड द कैट नेक एंड ब्रॉट हिम होम, इट वुड हैव केप्ट द रैट्स अवे। अब उसने तीसरे दिन अगले दिन क्या किया, द जैक वर्क फॉर अ बेकर,
अगले दिन जैक किसके पास काम करने गया, एक बेकर। बेकर का मतलब होता है बेटा जो केक को बेक करता है, दैट इज कॉल्ड बेकर। द बेकर डिड नॉट गेट मच मनी फॉर द ब्रेड, उसने जो बेकर था उसने बहुत सारा मनी उसको नहीं दिया। ही बेक्ड और सो ही सेड, अब उसने बेकर किया, उसने बहुत सारा ब्रेड को बेक नहीं किया था तो उसने ये सोचा और उसने उसको बहुत सारा पैसा नहीं दिया। मे ही न्यू जैक वॉज नॉट टू क्लेवर, और ये जानता भी था कि वो जैक बहुत होशियार नहीं है। एनी वे ही ओनली गेव जैक अ लार्ज केक, तो उसने क्या किया, जैक को क्या कर दिया, एक बड़ी सी बिल्ली दे दिया। जैक रिमेम्बर्ड हिज मदर्स वर्ड एंड कैरीड इट इन हिज हैंड, जैक को याद था क्योंकि उसकी मम्मी ने बोला था कि तुमको इसको हाथ में पकड़ के लाना था, तो उसने क्या किया, बिल्ली को हाथ में पकड़ के ले जाना चाहा। द कैट स्क्रैच्ड जैक ऑन हिज हैंड एंड फेस एंड रेन ऑफ, तो उस कैट ने क्या किया, जैसे हाथ में पकड़ के ले जा रहा था तो उसके हाथ को भी स्क्रैच कर दिया इन्हें, उसके हाथ में भी अपने पंजों को गड़ाया, उसके चेहरे पर भी स्क्रैच किया और वो रैन ऑफ यानी वो कूद करके अलग हो गई, उसके हाथ से छूट गई। जैक हाउ एम आई गोइंग टू टीच यू हाउ टू डू थिंग्स द राइट वे, अब उसकी माँ ने देखा, बोलता जैक उसको बोलती कि भाई तुम कब तक तुम सही सही काम नहीं करोगे, तुम सही रास्ता क्यों नहीं चुनते हो। सेड हिज मदर यू शुड हैव टाइड अ स्ट्रिंग अराउंड द कैट नेक एंड ब्रॉट इट होम, अब वो बोल रही है उसकी माँ कि तुमको उसके गले में एक रस्सी बांधना था और उसको लेकर के आना था, फिर इट वुड हैव कैप्ट द रैट्स अवे, और जिससे अपने घर के जो चूहे थे वो भी खत्म हो जाते। यस मदर सैड जैक, जैक ने कहा कि ठीक है माँ, आई विल रिमेम्बर दैट नेक्स्ट टाइम, अब मैं उसको अगले समय में मैं उसको ख्याल रखूंगा, अगले समय में इस बात का ख्याल रखूंगा। देन जैक गॉट सम वर्क एट द बूचर बूचर शॉप, बूचर का मतलब होता है बेटा जो मटन बेचते हैं, मटन काटते हैं, दैट इज कॉल्ड बूचर। देन जैक गॉट सम वर्क एट द बूचर शॉप, द बटर द बूचर गेव हिम अ बिग पीस ऑफ मीट, ही टाइड अ स्ट्रिंग अराउंड इट एंड, अब अगले दिन जैक किसके पास काम करने गया, एक मटन काटने वाले के पास गया, वहां पर उसने काम किया, उस बूचर ने उसको क्या दिया, एक मटन का पीस, एक मीट का पीस, बड़ा सा पीस दिया। अब उसे याद आया कि उसकी माँ ने बोला था कि इसको स्ट्रिंग से बांधना और उसको लेकर के आना, ही टाइड अ स्ट्रिंग अराउंड इट, उसने उसको कैसे बांधा बेटा, उसने एक रस्सी से उसको मटन के पीस को बांधा। ड्रैग्ड इट होम, अब उसको खींचते हुए क्या कर रहा था बेटा, जैसे ये पिक्चर में दिखाया कि उसने मटन के टुकड़े को एक रस्सी से बांधा, उसको खींचते हुए लेकर क्या रहा था। ही रीड होम विद द डॉग्स बार्किंग एंड रनिंग अलोंग बिहाइंड हिम, अब जब मटन का टुकड़ा देखेंगे तो जैसे जैसे वो घर आ रहा था तो उसके पीछे कौन चल रहे थे बेटा, कुत्ते, उसके पीछे कुत्ते भोंकते हुए आ रहे थे। जैक जैक सेड हिज पुअर मदर, जब उसकी माँ ने उसको देखा तो उसको आवाज दी, व्हाट एम आई गोइंग टू डू विथ यू, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, व्हाट एम आई गोइंग टू डू विथ यू, यू शुड हैव कैप्ट द मीट ऑन यूर शोल्डर, अब तुमको ये जो मीट का टुकड़ा मिला था तुमको उसको अपने कंधे पर लेकर के आना था। अब जैक हर बार, जैक की मदर भी उसको हर बार नई ट्रिक बताती है और ऐसा कुछ होता है कि उसके साथ गलती हो जाता है। द नेक्स्ट डे जैक गॉट अ डंकी फॉर द वर्क ही डिड फॉर अ वॉशरमैन, द नेक्स्ट डे जैक गॉट अ डंकी फॉर द वर्क ही डिड फॉर अ वॉशरमैन, बाय नाउ यू मस्ट नो व्हाट जैक डिड, अब अगले दिन जैक किसके पास काम किया, वॉशरमैन, वॉशरमैन का मतलब होता है कपड़े धोने के वाले के पास, तो जैक को क्या दिया उसने, डंकी, गधा दिया। अब आप सोच सकते हो कि जैक ने क्या किया होगा, उसकी मम्मी ने उसको क्या बोली थी कि शोल्डर पर लेकर के आना, तो जैक ने क्या किया, वो डंकी को क्या किया बेटा, अपने शोल्डर पर रखा। बाय नाउ यू मस्ट नो व्हाट जैक डिड, तुम जानते हो क्यों क्या करा होगा, यस ही पुट द डंकी ऑन हिज शोल्डर, उसने वो डंकी को क्या किया, अपने शोल्डर पर रखा, एंड विथ ग्रेट डिफिकल्टी, अब डंकी को शोल्डर पर रखेगा तो उसको बहुत कठिनाई हुई, ही स्टार्टेड वॉकिंग होम, और अपने घर की ओर चलने लगा। सडनली ही हर्ड समवन लाफिंग, अचानक जब वो चल रहा था तो उसे ऐसा लगा कि कोई हंस रहा है। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग ऑन हर विंडो, शी वॉज लाफिंग एट हिम, क्योंकि उसने अपने कंधे पर क्या रखा था बेटा, डंकी को रखा था, तो उसे ऐसा लगा कि कोई हंस रहा है। जैसे ही उसने पीछे देखा तो एक जो बच्ची थी, एक जो गर्ल थी, वो अपने खिड़की पर बैठी थी और इसको गधे को अपने शोल्डर पर रखा देकर के जो वो जोर जोर से हंस रही थी। दिस वॉज अ गर्ल हु हैड नेवर लाफ्ड बिफोर, ये वो लड़की थी जिसने बहुत दिनों से, बहुत पहले से हंसा नहीं था। द डॉक्टर्स हैड सेड दैट शी वुड नॉट स्पीक अंटिल समवन मेड हर लाफ, और डॉक्टर ने उसे कहे थे कि जब तक ये हंसेगी नहीं ये बोल नहीं पाएगी।
शी वॉज डिफ एंड डम, वो गूंगी और बहरी दोनों थी। हर क्या है, व्हेन हर पेरेंट्स सॉ हर लाफिंग दे वेयर सो हैप्पी, जब उसके पेरेंट्स ने देखा कि वो बच्ची हंस रही है तो वो बहुत खुश हुए। दे वेयर रिच पीपल, वो बहुत रईस व्यक्ति थे। दे वेंट आउट एंड स्टॉप जैक, जब उन्होंने देखा कि जैक के कारण वो लड़की हंस रही है तो वो जो उनके पेरेंट्स थे वो जैक के पास गए। हु आर यू यंग मैन, यंग मैन तुम कौन हो, सेड द गर्ल्स फादर, जो गर्ल थे जो हंस रही थी लड़की, उसके पापा ने बोले कि हे यंग मैन तुम कौन हो। आई एम लेजी जैक, मैं लेजी जैक हूँ, सेड द जैक, जैक ने कहा। आई एम ट्राइंग नॉट टू बी लेजी, आई वर्क एवरी डे नाउ, मुझे लेजी जैक बोलते हैं लेकिन मैं अब लेजी नहीं हूँ, मैं अभी रोज काम कर रहा हूँ। फ्रॉम टूडे यू विल स्टे विथ अस, अब जो वो जो बच्ची के पापा थे फादर थे उन्होंने कहा कि आज तुम मेरे पास रुक जाओ, स्टे का मतलब होता है रुक जाना। सेड द रिच मैन, वो जो रईस व्यक्ति थे उन्होंने कहा फ्रॉम टूडे यू विल स्टे विथ अस, हमारे साथ रुक जाओ। यू विल मेरी माई डॉटर, और तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। जैक वॉज हैप्पी, जैक बहुत खुश हुआ। ही मैरिड द यंग गर्ल हु नाउ कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग, अब वो जो जैक था उसने उस बच्ची से शादी कर लिया, उस लड़की से शादी कर लिया जो कभी बोलती नहीं थी, अब वो बोलना बंद ही नहीं करती थी, वो हमेशा है ना वो लगातार बोलती रह रही थी। हिज मदर हिज वाइफ एंड हर पेरेंट्स लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, अब जैक की जो वाइफ थी और उसकी मदर और जो उसके जो रिच पेरेंट्स थे वो सब हैप्पीली सुखी से अपने एक साथ रहते थे। ही इवन स्टॉप डूइंग सिली थिंग्स, और जैक ने भी जो फुलिश हरकतें थी, जो मूर्खतापूर्ण हरकतें थी वो खत्म कर दिया था। तो ये क्लियर हुआ ये लेसन आप लोगों का? आप लोगों को ये लेसन पढ़ने में बहुत समय लगेगा बेटा, क्योंकि इसमें कुछ कठिन वर्ड्स भी आए हैं जिसका मैंने यहाँ पर मीनिंग बताई हूँ। आप लोग एक एक लेसन का एक एक चैप्टर एक एक उसका स्ट्रेंजा पढ़ना, उसके मीनिंग को समझना, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार इस वीडियो को देखना तो आपको ये लेसन समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैं आप लोगों का ये लेसन कंप्लीट करती हूँ, आप लोग इसको रीड करके देखना, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके एक्सरसाइज कराऊंगी। क्लियर? चलिए, धन्यवाद बेटा।